नमस्कार दोस्तों, जय गो माता वंदे मातरम। आज हम आपसे बात करेंगे हुक्का के बारे में, जिसे वाटर पाइप भी कहा जाता है, बबल गबल भी कहा जाता है, चिल्लम भी कहा जाता है, बट बहुत पॉपुलर नाम जो है ना वो है हुक्का। क्या ये हार्मफुल नहीं है? क्योंकि इसकी जो पॉपुलैरिटी है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे सिगरेट स्मोक, जो सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, इसके लिए तो हम लोग मना करते ही हैं कि नहीं पीना चाहिए। इसके लिए ना प्रॉपर अलग अलग जोन भी बने होते हैं। अगर आप कहीं बाहर मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे या फिर कुछ पर्टिकुलर ऐसे एरियाज हो गए, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, बार हो गया या एयरपोर्ट हो गया, वहाँ पर ना स्पेशली एक अलग से जगह बनी होती है जिसमें लिखा होता है स्मोकिंग जोन, जहाँ पर स्मोकिंग एरिया होता है, जहाँ पर आप बीड़ी सिगरेट पी सकते हैं ताकि दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो। बट जो हुक्का है ना, हुक्का केस में ऐसा नहीं है। अब आप होटल्स में जाइए, रेस्टोरेंट्स में जाइए, उसमें क्या होता है, कहीं भी टेबल के बीच में हुक्का लगा रखा है, आसपास चार पांच फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं, चार पांच दोस्त बैठे हैं, सब मिलके हुक्का पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या ये हुक्का नुकसानदायक नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हुक्का ना आज से कुछ वर्ष पहले ये जो पिया जाता था, बड़े बुजुर्ग थोड़ा बहुत लेते थे, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं था। इसे पीने से पहले भी इतना हेजिटेशन सा फील होता था, लोग ऐसा करते थे, हेजिटेशन फील करते थे, नहीं इतना पॉपुलर था। अब इसकी पॉपुलैरिटी इतना क्यों हो गया है, क्यों इतना कॉमन हो गया, उसका मेन रीज़न यही है कि हर रेस्टोरेंट में, हर होटल्स में ना नॉर्मली टेबल पर डेकोरेटिव आइटम की तरह रख दिया जाता है, सबको परोस दिया जाता है कि आप लीजिए, कोई नुकसान नहीं कर रहा है, ना आपको नुकसान कर रहा है, ना आपके पास में बैठे हुए इंसान को कोई नुकसान कर रहा है, तो आप इन्जॉय कर रहे हैं आजकल। बट क्या ऐसा सच में होता है कि हुक्का कोई नुकसान नहीं करता है? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हुक्का भी सिगरेट की तरह ही नुकसान करता है। इवन हुक्का में 36 गुना ज़्यादा तार होता है एक सिगरेट के मुकाबले, 15% ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है एक सिगरेट के मुकाबले, और यहाँ तक कि 70% ज़्यादा निकोटीन भी होता है एज़ कम्पेयर टू वन सिगरेट। अब कुछ लोग कहेंगे, क्योंकि जो हुक्का के फेवर में, वो फेवर में आके बोलेंगे भी तो सही ना, तो वो बोलेंगे नहीं, हम तो भाई निकोटीन वाला पीते ही नहीं हुक्का, हमारे हुक्का में तो ना निकोटीन है ना टोबैको है, हम तो फ्लेवर वाला पीते हैं। अब फ्लेवर में भी कई सारे फ्लेवर आ गए हैं, जैसे जो वनीला हो गया, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, और माफ़ी चाहूँगी मुझे ज़्यादा नाम नहीं जानकारी है, बट फ्लेवर्स खूब सारे अवेलेबल है मार्केट में, तो उसके बारे में उसकी मतलब लोग कहते हैं कि वो पी रहे हैं ना तो वो नुकसान नहीं करता, उसमें निकोटीन नहीं है। देखिए, चलो माना निकोटीन नहीं है, लेकिन जब आप हुक्का रखते हैं, अब आपने देखा होगा हुक्का लगाने के लिए ना ऊपर की तरफ कोयला रखा जाता है, वो तो आप मानते हैं ना, कोयला तो रखेंगे आप चाहे वैसा भी फ्लेवर वाला पी रहे हैं। जब आप कोयला रख रहे हैं और उसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं ना, जब आप अंदर की तरफ लेते हैं ना, तो कोयले का जो धुआं है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो तो ब्लड के अंदर जा रहा है, वो तो लंग्स में जा रहा है, उसको तो आप मना नहीं कर सकते। अब देखिए, इतना अगर आप ले रही हैं ना, तो समझिए कि कितना ज़्यादा नुकसान करता है। जैसे कि हमने आपको आगे बताया था ना कि 70% तक ज़्यादा निकोटीन भी होता है, 30% अप्रॉक्स 36% तक ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी के अंदर जाता है, क्योंकि कितना आप लंबा खींचते हैं। अब देखिए, अगर आप एक घंटा हुक्का ले रही हैं, अगर कोई भी व्यक्ति एक घंटा हुक्का ले रहा है ना, तो ये मान लीजिए कि वो 40 से लगभग 100 सिगरेट का जो धुआं है, मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसकी बॉडी के अंदर जा रही है। वो थोड़ा बहुत कंपैरिजन उसमें किया जाता है कि आप कितनी देर तक हुक्का ले रही हैं, कितना लंबा ले रही हैं, कितना समय लगा रही हैं, तो ये उतना ही नुकसानदायक है जितना कि सिगरेट है। अब इससे होने वाले नुकसान ना सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होते। क्या होता है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब बॉडी के अंदर जाता है, हमारे श्वास द्वारा अंदर जा रहा है, वो ब्लड के अंदर डिजॉल्व भी हो रहा है, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन भी डिजॉल्व होती है। अब आप कार्बन मोनोऑक्साइड लोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो ब्लड के अंदर जाएगी, हमारे खून के अंदर घुलेगी। जब वो खून के अंदर घुलती है ना, तो ऊपर से ना एक लेयर हटा देती है ब्लड की, अब उसकी जगह कहाँ क्या इकट्ठा होता है, फैट इकट्ठा होता जाता है, फैट की लेयर बढ़ती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। अब जब फैट की लेयर बनेगी तो क्या होंगे, मोटे होंगे ना, जब मोटे होंगे चर्बी बढ़ेगी, पेट बाहर आएगा, श्वास में प्रॉब्लम होगी, कई सारी दिक्कतें बढ़ती ही जाएगी। तो इससे बेटर है कि आप हुक्का एंजॉय ही ना करें। अब देखिए, इससे यही से प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती, हुक्का में कई सारी बीमारियां और होती है, यहाँ तक कि अगर आप हुक्का का कंटिन्यूटी यूज़ करते हैं, कई सारे शोज ऐसे भी बताए गए हैं कि अगर आप हर रोज़ एक घंटा हुक्का पी रही हैं लगभग 2 से 4 महीने या उससे अधिक समय अगर आपने हुक्का कंटिन्यूसली लिया है, तो आपको ओरल कैंसर हो सकता है, लंग्स कैंसर हो सकता है, ईसोफेगस में कैंसर हो सकता है, थ्रोट में कैंसर हो सकता है, यहाँ तक कि जो आपकी इनफर्टिलिटी है, फर्टिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, मतलब आप इनफर्टिलिटी के जो दायरा है उसके अंदर भी आप आ सकते हैं। फिर उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, अब आप जब आगे कंसीव करने की कोशिश करेंगे तो आपको नॉर्मली कंसीव नहीं हो पाएगा, फिर आपको आईवीएफ जाना पड़ेगा, आईवीएफ लेना पड़ेगा ऑप्शन में, या फिर कहीं और अदर ऑप्शन में आपको ट्राई करने पड़ेंगे, तो जो नेचुरल प्रक्रिया है वो भी ख़त्म हो जाएगी।
इसके बावजूद एक चीज़ और होती है जो प्रेग्नेंट महिलाएं हम लोग मना करते हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं को क्या आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, तो वो प्रेग्नेंट महिलाएं क्या कहती हैं कि ना हम लोग स्मोकिंग तो ना कर रहे हैं, हम लोग तो हुक्का ले रहे हैं, हुक्का नुकसान नहीं करेगा। देखिए ऐसा नहीं होता है, हुक्का भी आपको भी नुकसान कर रहा है और आपके घर में पल रहे शिशु को भी नुकसान कर रहा है, तो हुक्का का अवॉइड करना है। अब प्रेग्नेंट महिलाओं की दिक्कत होती है, प्रेग्नेंट महिलाओं की जो अंदर घर में बैठ रहा बच्चा है ना, कई बार केसेस ऐसे आए हैं कि जो उनका बच्चा है वो उसका अंडरवेट पैदा होता है, अंडरवेट होता है, फिर ऑपरेशन में रखना पड़ता है, फिर उसको दिक्कतें होती है, यहाँ तक कि बच्चे के साथ में जो बच्चा सोचे जो अभी जन्म लिया है उसको रेस्पिरेटरी डिसीज होती है, उसको ब्लड कैंसर हो जाता है, ये सारे जो प्रॉब्लम्स देखी गई है ना, उस बच्चे की क्या गलती, इंजॉय आपने किया, आपने गंदी आदत की वजह से उस बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए सभी गर्भवती माओं से भी निवेदन है कि हुक्के का सेवन आपको नहीं करना है, वो भी उतना ही नुकसान है। सोचिए एक घंटा अगर आप हुक्का ले रहे हैं तो लगभग 40 से 100 सिगरेट का धुआं आपके अंदर जा रहा है। तो एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ हमने तो पूछा जो हमारे पास टीनेजर्स स्पेशली जो पेशेंट आते हैं ना, उनसे पूछते हैं कि आप करते ही क्यों हैं ऐसा, क्या ऐसा क्या मिल रहा है आपको उस हुक्के के अंदर, तो वो कहते हैं कि मैम आप करना नहीं चाहते थे, बट हमारे ना फ्रेंड कहते हैं कि अगर आप नहीं कर रहे हो ना तो आप ना मॉडर्न नहीं है। हाँ ये ऐसे बहुत वर्ड यूज़ करते हैं कि आप मॉडर्न नहीं है, आप तो बहुत बैकवर्ड है, आप तो ये है बहन जी है वगैरह वगैरह, बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। देखिए आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, उनके कहने से आपकी हेल्थ पे जो इफेक्ट पड़ रहा है ना वो आपको सोचना है, वो क्या कह रहे हैं उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। अगर कल को अगर आप बीमार पड़ते हैं, आपको कैंसर होता है, अन्य अदर डिसीज होती है, कोई रेस्पिरेटरी डिसीज होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो क्या वो आपका अपना ऑर्गन आपको देंगे, आपकी बॉडी में अपना ऑर्गन लगाएंगे? नहीं ना। तो उनके कहने से क्यों आपको इफेक्ट पड़ रहा है, और जो आपको ये कहे कि आपको प्रोवोक कर रहे हैं ना, कल को अगर उनके साथ प्रॉब्लम होगी तो क्या कर लोगे, फिर वो कुछ नहीं कर सकते। नहीं हो गया जी, नॉर्मली होता है, सब होते हैं, आजकल सब बीमार हो जाते हैं, आजकल लाइफस्टाइल ही ऐसा है। लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है, लाइफस्टाइल आपने ऐसा किया है, आपकी गलतियों की वजह से आप बीमार पड़ रहे हैं, किसी के कहने की वजह से आप बीमार पड़ रहे हैं, तो मूर्ख आप है। क्यों आप ऐसी चीज़ें ऑप्शन में लाते हैं, क्यों अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ लाते हैं, क्यों दिखावा करना है? और अगर करना भी है तो ऐसी चीज़ का जो आपकी हेल्थ को ख़राब कर दे। अब इसमें ना कुछ लोग हमें कहते हैं कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी नशीला पदार्थ हमें नहीं मिलाया हुआ है, हम इसका सेवन कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं कर रहा है। तो जो मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगी कि अगर इसमें कोई भी नशीला पदार्थ नहीं मिलाया, चलो मान लिया नहीं मिलाया हुआ, तो क्या आपका बार बार इसको पीने का मन नहीं करता, क्या आपको इसकी एडिक्शन नहीं हो रही? ये एडिक्शन का वर्ड है ना, इसको आप थोड़ा स्पेसिफाई करके बताइए, क्यों आपको इसको सेवन करने का मन कर रहा है, क्यों इसकी लत लग जाती है लोगों को, क्यों बच्चे से छोड़ नहीं पाते हैं, टीनेजर से छोड़ नहीं पाते, इसकी लत में कई हज़ारों रुपए पैसा खर्च कर देते हैं, अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सबको पता है, सब कुछ पता है कि हमें नुकसान कर रहा है, ये नहीं लेना चाहिए, ये नुकसानदायक है, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आप इसका सेवन कर रही हैं, फिर भी आप इसकी लत को नहीं छोड़ पा रही हैं। तो ये जो एडिक्शन है ना, ये किस कारणवश हो रहा है, क्योंकि कुछ तो इसके अंदर मिला हुआ है ही है ना, कुछ तो नशीला पदार्थ इसके अंदर मिला हुआ ही है, जिसकी वजह से आपका वापस उसको उसकी तरफ आपको जाने के लिए एक अट्रैक्शन सा रहता है, आपका वापस मन करता है कि इसको सेवन करें। तो अगर कुछ ऐसा मिला हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको एडिक्शन बना रही है किसी भी चीज़ की, तो वो भी नुकसानदायक ही है, वो भी गलत ही है, वो भी आपके साथ आपके स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ ही है। तो ऐसी चीज़ों के का स्पष्ट रूप से मना करना सीखिए, मना करने की कोशिश कीजिए कि नहीं करना है ऐसी चीज़ों का सेवन जो हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। ऐसी चीज़ों से हमें बिल्कुल जितना हो सके उतना दूरी बना के रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिएगा, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपने अपना जो पहला धन है वही खो दिया है। जो कहते हैं ना कि पहला जो सुख है वो निरोगी काया है, अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप कभी भी जीवन में भी सुखी नहीं रह सकते। तो आपसे पूरे संस्थान की तरफ से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि हुक्का का सेवन आप ना करें। अगर घर में आप बड़े कोई बड़ा व्यक्ति अगर हमारी वीडियो देख रहा है तो अगर आप ही बंद कर देंगे ना हुक्का पीना, तो अगर आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो हो सकता है कि आपके घर में बच्चे भी ना पिए और आगे आने वाली जनरेशन भी ना पिए। अगर आप ही पी रहे हैं, अगर आप ही हुक्का का सेवन कर रहे हैं, तो आगे आने वाले बच्चों को कुछ नहीं कर पाएंगे, आप उनका खुद भविष्य बिगाड़ रहे हैं। छोटा सा निवेदन है आपसे इस वीडियो के माध्यम से, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हुक्के से होने वाले नुकसान के बारे में भी आप सभी को जानकारी मिल सके और आप आगे से आगे लोगों को ये जानकारी पहुंचा सके। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न हो, आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। हमारे जितने को भी सेवा संस्थान कैंसर पीड़ितों को समर्पित संस्थान है, यहाँ पर कैंसर की चिकित्सा मुख्य रूप से की जाती है, जो बिना केमिकल, बिना प्रिजर्वेटिव, बिना किसी साइड इफेक्ट की जाती है। अन्य जानकारी के लिए जो आप हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।